नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार पाठक। लर्न इंग्लिश ईजली, जैसा कि आप इससे जुड़ चुके हैं, आज मैं आपके साथ हूँ क्लास सिक्स को लेकर, जिसमें आज हम सीखेंगे कि वाज और वेयर का प्रयोग कैसे करते हैं। वाज और वेयर जो हैं वो भूतकाल की सहायक क्रियाएं हैं। इनका उपयोग करना बिल्कुल आसान है। इनके उपयोग से आप कई वाक्य बना सकेंगे और इसका उपयोग हम कर सकेंगे। वाज का अर्थ था, थी, होता था, होती थी के रूप में देखते हैं। दूसरी तरफ वेयर का प्रयोग थे, थी, होते थे, होती थी के रूप में करते हैं। वाज का प्रयोग आई, ही, शी, इट तथा सिंगुलर के साथ करते हैं, और वेयर का प्रयोग वी, यू, दे तथा प्लूरल के साथ करते हैं, यानी बहुवचन के कर्ताओं के साथ करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इन दोनों सहायक क्रियाओं का प्रयोग भूतकाल में किस प्रकार किया जाता है। आगे के स्लाइड्स में आप देखेंगे कि इसके फॉर्मूले हैं जो आपको मदद करेंगे। फिर मैंने उसमें सेंटेंसेस लिखे हैं जिनका आप अभ्यास करें, आप लिख कर भी अभ्यास करें, देख कर भी करें, बोल कर भी करें। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, यूज ऑफ वाज एंड वेयर। वाज का अर्थ था, थी, होता था, होती थी। इसका उपयोग आई, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ करते हैं। वेयर, इसका अर्थ थे, थी, होते थे, होती थी। इसका उपयोग वी, यू, दे तथा बहुवचन के साथ करते हैं। इसका फॉर्मूला इस प्रकार है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस ए एन, जरूरत पड़ने पर हम ए एन का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट, जरूरत पड़ने पर ए एन लगाते हैं और ऑब्जेक्ट का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार यस नो का क्वेश्चन है और डब्ल्यूएच का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। हम लोग गरीब थे, वी वेयर पुअर। आप लोग संतुष्ट थे, यू वेयर सेटिस्फाइड। तुम तैयार थे, यू वेयर रेडी। बच्चे उदास थे, द चिल्ड्रन वेयर सैड। मेरा भाई उपस्थित था, माई ब्रदर वॉज प्रेजेंट। हम लोग खिलाड़ी थे, वी वेयर प्लेयर्स। मैं एक डॉक्टर था, आई वॉज अ डॉक्टर। तुम एक कवि थे, यू वर अ पोएट। आप एक लेखक थे, यू वर अ राइटर। वह एक शिक्षिका थी, शी वॉज अ टीचर। मेरे दोस्त लोग नेता थे, माई फ्रेंड्स वेयर लीडर्स। तो आप इसे बार बार सुने, देखें और अभ्यास करें। आगे के स्लाइड में हम देखते हैं कि वाक्यों को कैसे नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इसमें पहला वाक्य है, मैं तैयार नहीं था, आई वॉज नॉट रेडी। आप लोग गरीब नहीं थे, यू वेयर नॉट पुअर। सीता ईमानदार नहीं थी, सीता वॉज नॉट ऑनेस्ट। मेरा भाई ईमानदार नहीं था, माई ब्रदर वॉज नॉट ऑनेस्ट। तुम नियमित नहीं थे, यू वर नॉट रेगुलर। पिताजी व्यस्त नहीं थे, फादर वॉज नॉट बिजी। हम लोग खिलाड़ी नहीं थे, वी वेयर नॉट प्लेयर्स। वे लोग राजा नहीं थे, दे वेयर नॉट किंग्स। समय अच्छा नहीं था, द टाइम वॉज नॉट गुड। लोग गरीब नहीं थे, द पीपल वी आर नॉट पुअर। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे वाक्य कैसे हम बनाते हैं, कैसे वाक्यों में नॉट कहाँ लगाते हैं। नॉट का प्रयोग जनरली वाज और वेयर के बाद ही हम लोग करते हैं, सहायक क्रियाओं के बाद नॉट का प्रयोग होता है। इसी प्रकार हम कुछ प्रश्नवाचक वाक्य भी सीखेंगे जिसमें यस नो क्वेश्चंस कहते हैं। यस नो क्वेश्चंस का अर्थ है वैसे प्रश्न जिनका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे क्या मैं गलत था, वॉज आई रॉन्ग, इसका जवाब हम हाँ ना में दे सकते हैं। ठीक उसी प्रकार क्या तुम सही थे, वर यू राइट। क्या भारत महान था, वॉज इंडिया ग्रेट। क्या हम कच्चे थे, वेयर द मैंगोज अनराइप। क्या पुस्तकें अच्छी थी, वेयर द बुक्स गुड। क्या वे लोग पागल नहीं थे, वेयर दे नॉट मैड। क्या तुम तैयार नहीं थे, वेयर यू नॉट रेडी। क्या मौसम अच्छा नहीं था, वॉज द वेदर नॉट गुड। क्या हम लोग प्यासे नहीं थे, वेयर वी नॉट थर्स्टी।
क्या वे लोग ग्रामवासी थे? Were they villagers? क्या वह एक छात्र नहीं था? Was he not a student? क्या वे लोग दुश्मन थे? Were they enemies? तो इस प्रकार हम लोग यस नो क्वेश्चंस देखते हैं. जैसा कि मैंने बताया, इसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है, इसीलिए हमें इसे यस नो क्वेश्चन कहते हैं. इसी प्रकार कुछ प्रश्न हमारे सामने हैं WH क्वेश्चंस, जिसमें WH वर्ड का प्रयोग होता है. WH का प्रयोग इस प्रकार करें, वह क्यों तैयार था? Why was he ready? वह कैसे थकी थी? How was she tired? आप कब ईमानदार थे? When were you honest? सीता क्यों लाचार थी? Why was सीता helpless? राम का भाई बीमार था. Ram's brother was ill. तुम क्यों उदास थे? Why were you sad? वह क्यों दुखी था? Why was he sad? वे लोग क्यों शिक्षित थे? Why were they educated? इसी प्रकार कुछ वाक्य इस तरह देखते रहें और इन वाक्यों का अभ्यास करें. जैसे महात्मा गांधी कैसे महान नहीं थे, तुम क्यों उपस्थित नहीं थे, इन वाक्यों को स्वयं कोशिश करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा. और अधिकतम सीखते रहने के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और सीखते रहें. मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है. बहुत बहुत धन्यवाद वीडियोस को देखने के लिए.